जैसे ये 100 एकर्स प्रॉपर्टी है यार, 100 घुमा सारे पीने का आपका ही भैया कॉफी मैंने यहाँ पर 3 वैरायटीज ऑफ कॉफी ग्रो होता है, उसमें एक आता है अरेबिका, दूसरा है रोबस्टा, तीसरा है कावेरी। तो ये पौधे आपने कोई से लगाए कि सब ऑटोमेटिक? दालचीनी जो है ना सिर्फ इसका स्किन यूज करते हैं हम, पर कुछ लोग क्या करते हैं इसका लीव को बेचते हैं। जैसे ये इसका प्रोडक्शन ज्यादा तो मेक्सिको एंड मडागास्कर में है, उसका अंदर का सीड को यूज करने से आपको वो वेनिला का फ्लेवर मिल जाता है, पर जो फैक्ट्री में तो सभी 100% ही प्योर नहीं रहता है, थोड़े बहुत तो केमिकल मिक्सड ही रहता। तो दोस्तों आज हम दूसरे दिन कुर्ग में आ गए हैं कॉफी के कारखाने में, जहां पर हमें यहां पर गाइड मिला है और वो हमें पूरा कॉफी प्लांटेशन से लेकर इस जंगल में और क्या क्या होता है पूरा प्लांटेशन बताएंगे, उसके बाद कॉफी मेकिंग की पूरी प्रोसेस बताएंगे। ये पूरा कॉफी का कारखाना आप देख सकते हो, ये इधर कॉफी कारखाना है जहाँ पर पूरी कॉफी बनती है। तो इसका 200 पर पर्सन चार्ज है विद गाइड। गाइड आपको आपको यहाँ पर सब कुछ बताएगा कि कौन से पौधे से क्या बनता है, कब आता है कब नहीं आता है। तो चलिए आपको विजिट करवाते हैं कॉफी प्लांट। इनको भी ज्वाइन कर लो। और आपको ये जो छोटा सा ये ट्री दिख रहा है ना ट्रिम्ड वन, छोटा सा ये सिनेमन का है, दालचीनी का। दालचीनी जो है ना सिर्फ इसका स्किन यूज करते हैं हम, पर कुछ लोग क्या करते हैं इसका लीव को बेचते हैं। जैसे इसका लीव जो है ना आपको बेलीफ की तरह दिखता है, इसका लीव अच्छा बेलीफ की तरह दिखता है। इसके लिए कुछ लोग क्या करते हैं पैकेट के अंदर इसे भी घुसा के बेच देते हैं, चीटिंग करते हैं। पर इसका जो जीरो अरोमा है आपको, जैसे आप इसको स्मेल भी कर सकते हैं, इसका जीरो अरोमा रहता है, टेस्ट नहीं रहता, स्मेल भी कुछ नहीं रहता है। और इसका सिर्फ यूज होता है इसका स्किन। इसका बार को 2 लेयर्स पर रिमूव कर दिया जाता है, आउटर लेयर इनर लेयर ऐसा बोला के रिमूव करते हैं। आउटर लेयर बनता है सेकेंड क्वालिटी का सिनेमन और इनसाइड लेयर बनता है फर्स्ट क्वालिटी का सिनेमन। ओके, इनसाइड लेयर जो होता है ना ऑयल कंटेंट ज्यादा रहता है इसमें, इसके लिए वो बनता है फर्स्ट क्वालिटी वाला वेनिला। वेनिला जो है ना वेनिला को नीचे से रूट्स नहीं रहता है, सिंगल स्टम का सिंगल सिंगल रूट होता है, जिसे आप देख सकते हैं चिपका हुआ है ना, ये सब इसके रूट है। ये ट्री से ही इसका जो इंग्रेडिएंट चाहिए होता है वो लेता है। ओके, इसका स्टम को दूसरे पेड़ के पास जाकर रख दिया तो भी वो बढ़ने का चांसेस है। ओके, और ये इसमें विंटर्स के टाइम में कुछ फ्लावर्स ब्लूम आउट होता है येलोइश कलर का, और वो फ्लावर को इंडिया में हैंड पॉलिनेशन करना पड़ता है। जैसे ये इसका प्रोडक्शन ज्यादा तो मेक्सिको एंड मडागास्कर में है, वहाँ पर उनको एक बर्ड अवेलेबल है, एक काइंड ऑफ बर्ड एंड बी दोनों भी अवेलेबल है, वो आकर नेचुरल पॉलिनेट कर लेते हैं इस फ्लावर को, पर यहाँ पर तो वो दोनों भी सर्वाइव नहीं हो पाता है। इसके लिए हम तो यहाँ पर हैंड पॉलिनेशन ही करना पड़ता है। अगर हैंड पॉलिनेशन सक्सेस हो गया तो ये प्लांट पर ही 2 मंथ्स तक ऐसा ही रह जाता है, 2 मंथ्स तक कुछ भी नहीं होता है फ्लावर को, ऐसा ही रह जाता है। 2 मंथ्स के बाद फ्लावर का जो फेदर्स रहता है ना वो वीक होकर गिर जाता है, नहीं तो हमें ही निकालना पड़ता है। और निकालने के बाद फ्लावर का इनसाइड एक सिंगल सा स्टम बाकी रह जाता है, वही एसेंस होता है वेनिला स्टिक्स और वेनिला पॉड्स। ओके, और वो वेनिला का रॉ पॉड्स फैक्ट्री जाने के बाद उसमें से मॉइस्चर ऑयल कंटेंट सभी एक्सट्रैक्ट करके रिमूव करके हमें लिक्विड टाइप ऑफ एसेंस देता है फैक्ट्री में, जिसे उसका लिक्विड टाइप ऑफ एसेंस से स्मैश सब करके उसका लिक्विड पत्ती को पूरा वो करते हैं यार स्टम, उसका अंदर का एक स्टम मिलता है फ्लावर का, उसको स्मैश अप करने से लिक्विड आता है ना, वही इसमें नहीं आता, फ्लावर के अंदर फ्लावर से आता है। और फ्लावर कौन से सीजन में आता है? सॉरी विंटर, विंटर में ही चला मंगल टाइम का है। तो अभी समर में क्या आता है? समर में तो यहाँ पर मैंगो है। मैंगो, अरे वाह, मैंगो आता है। अभी भी मैंगो का स्टार्टेड नहीं है, बारिश नहीं हुआ है यहाँ पर, कुछ नहीं आता इस टाइम पे। अभी अप्रैल में बारिश स्टार्ट हो जाएगा। ये जो मार्च में ना एक बारिश होने वाला था, बारिश होना ही था मार्च में, जब वो बारिश से ही हमारा नेक्स्ट ईयर का क्रॉप है कॉफी का। जैसे नॉर्मल फ्लावर्स जो रहता है ना कॉफी का, अभी जो फ्लावर्स है ना ये सब ऐसे ही आते रहते हैं जाते रहते हैं, पर मानसून का जो पहला बारिश वो मार्च में होता है यहाँ पर। वो मार्च में आने वाला बारिश से हमारा नेक्स्ट ईयर का क्रॉप रेडी होता है, और वो टाइम में ही सभी प्लांट्स का
ब्लूमिंग टाइम होता है और फ्रूट्स का भी सीजन स्टार्ट हो जाता है वसंत काल। ओके, और ये वेनिला का है। वेनिला का तो हम तो यहाँ पर रॉ पॉड्स को ड्राई करके डायरेक्टली सेल करते हैं और वो ड्राई पॉड से भी आप यूज कर सकते हैं। उसका अंदर का सीड को यूज करने से आपको वो वेनिला का फ्लेवर मिल जाता है, पर जो फैक्ट्री में तो सभी 100% भी प्योर नहीं रहता है, थोड़े बहुत तो केमिकल मिक्स ही रहता है और सब पॉड्स आपको प्योरिटी देता है। यहाँ पूरा रेन पे डिपेंडेंट हो गया। हाँ, यहाँ तो हम तो यहाँ पर कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है, जैसे हम पानी भी नहीं देते कॉफी को, खुद से आता है। कंप्लीटली होल हो गया है ये अंदर से। क्या ये? तो क्या इसे कहते हैं ब्लैक डमर ट्री और इसका सोर्स तो सभी यूज करते हैं। क्या? जो धूप यूज करते हैं ना, धूप पूजा में सब यूज करते हैं ना, वो इससे ही मिलता है। अच्छा, ट्री को डीप डैमेज करने से इसका रेसिन सब ऐसे बाहर आ जाने लग जाता है और थोड़ी टाइम में कुछ दिनों में ये कुछ क्रिस्टल के फॉर्म के जैसा बन जाता है कंप्लीट ड्राई होने के बाद, और उससे कुछ ऐसा टूल्स को यूज कर निकाल कर हम तो यहाँ पर डायरेक्ट सेल करते हैं। और आपको भी किसी मार्केट में धूप सब क्रिस्टल फॉर्म में मिला तो बहुत प्यूरिटी रहता है उसमें, जैसे उसका नेचुरल स्मेल जो रहता है ना बहुत ही अच्छा होता है। धुआं आता है, इसमें भी अभी भी आपको धुआं आता है। इसका स्किन ही है क्या? हाँ, इसके स्किन में ही वो रेसिन होता है। आ रहा है क्या लाइटर का? ये इसको जाना बहुत ज्यादा काला है। हाँ, थोड़ा क्लोज आ जाइए, क्लोज आ जाइए। हाँ, आया आया। अच्छा, ओके अभी आता है। सुन लेते हैं। हाँ, यही इसका प्योर अरोमा होता है। एक बार और चलाओ, एक बार चलाओ। अरे आप जो जला सकते हो जो जला सकते हैं, हमको क्या पता। जरूरत नहीं भाई, बहुत ही मिल जाएगा। पेड़ को ही जला दो, एक जलते ही रहने दिया करो, एक तो अच्छा थोड़ा माहौल बना रहेगा। कंटिन्यू जलते रहने दिया करो। बना हुआ होता है, जैसे आपको वो वन टाइम फायर अप करने से कम्प्लीटली एश बन जाता है वो, उसे कुछ भी यूज नहीं है। पर ये जो आपको क्रिस्टल फॉर्म में मिल गया तो बहुत ही अच्छा रहता है। ये जो ज्यादातर तो टेम्पल्स के लिए जाते हैं शांति पाने के लिए, वो नहीं है, वो वाला शांति नहीं है, पीस ऑफ माइंड। ओके, और वो ऐसे इसका स्मेल से आता है पीस ऑफ माइंड, जैसे अरोमा थेरेपी में इसे ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि इसका जो पीस ऑफ माइंड है ना, कुछ ऐसे थोड़ी टाइम के लिए आराम से रह सकता है और इसके वजह से इसे जलाते हैं ज्यादातर तो, नहीं तो वो केमिकल मिक्स वाले से ना उससे भी पीस ऑफ माइंड मिलता है पर वो परमानेंट मिल जाता है। जैसे वो केमिकल ऐड होने की वजह से वो ऐसे वीजिंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम सब आ सकता है और उसके वजह से आपका ब्रीदिंग प्रॉब्लम सब स्टॉप होकर पीस ऑफ माइंड, परमानेंट पीस ऑफ माइंड हो जाता है। पर ये तो आपको क्रिस्टल फॉर्म में मिले तो बहुत ही अच्छा रहता है ये। ओके, ब्लैक डमर ट्री सभी धूप का सोर्स रहता है। इसका रेसी है। और ये जो अंजीर में ना बहुत ही वैरायटीज है, जैसे उसमें एक आता है उम्बर, वाइल्ड अंजीर है, वो खाने लायक नहीं रहता, इंसेक्ट सब होते हैं उसके अंदर, वो गिरता पड़ता रहता है। पर दूसरा आता है ड्राई फ्रूट वाला अंजीर, उसको तो ड्राई भी खा बना के खा सकते, नहीं तो ऐसा भी खा सकता है, बेनिफिट्स तो है, डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा रहता है वो। एंड ये वाला अंजीर जो है ना, इसका कुछ मेडिसिनल पर्पस ही अंजीर है ये, इसे डायरेक्ट बेचने के लिए डायरेक्ट खाने के लिए नहीं रहता है ये। और ये इसका सिर्फ इसका मेन ट्रंक पर ही ग्रो होने वाला अंजीर है। और ये जो आपको नॉट्स दिख रहा है ना, ये
ये छोटे छोटे ब्रांचेस के रूप में बाहर आ जाता है और वो ब्रांचेस के टिप्स पर ग्रो होते हैं अंजीर इसके। और आपको यहाँ पर पीछे के साइड बहुत आया हुआ है। जी इधर है। और ये जो अंजीर है ना बहुत ही बड़ा साइज में आ जाता है, कुछ इतना इतना बड़ा साइज में आ जाता है, पर्पलिश कलर का रहता है ये। और वो वाला सॉरी ये वाला अंजीर जो है ना ये सिर्फ ऐसा डायबिटीज पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन जैसे मेडिसिन में ही काम आता है ये। इसे नॉर्मल खा नहीं सकते, इसको खा सकते हैं पर स्वीट नहीं रहता है, टेस्टलेस होता है। इनसाइड से कंप्लीट एम्प्टी रहता है ये, जो नॉर्मल अंजीर के अंदर देखिए बहुत ही सीड्स होता है और ये तो कम्प्लीटली एम्प्टी है। अच्छा। और ये अंदर से पिंक एंड व्हाइटिश कलर का भी होता है और ये अच्छा रहता है सेहत के लिए, जैसे नॉर्मली अंजीर डायबिटीज के लिए जैसे जस्ट खाना खाने के लिए है, पर ये तो मेडिसिन जैसे लेने के लिए मेडिसिनल अंजीर। तो ये तो नॉर्थ साइड में ज्यादा ही ग्रो होता है, जो आपको वो नीचे का वेल साइड का था ना वो तो ज्यादा तो ये नॉर्थ साइड में कश्मीर श्रीनगर साइड में ज्यादा ग्रो होता है, ठंडी जगहों पर ज्यादा होता है, पर ये वाला अंजीर तो हो जाता है किसी जगह कैसे ऐसा वेदर कंडीशन नहीं रहता है इसको। पर ये वाला अंजीर जो है ना आपको ये दिख रहा है ना अभी ये आफ्टर 7 इयर्स इसमें आया हुआ है। अच्छा। यही इसका पहला क्रॉप है। तो ये पौधे अच्छा। आपने कोई से लगाया कि सब ऑटोमेटिक? ये लगाया है, ये लगाया है। और ये बाकी सब ऑटोमेटिक है, ये कॉफी प्लांट से सब ऑटोमेटिक है कि ये भी लगाया? ये सभी लगाया हुआ है, सिर्फ कुछ ट्रीज है जैसे आपको ये जो है ना ये वाला ट्री शीशम, वो वाला शीशम नहीं है, वो सब नेचुरली है। क्या कौन सा है, क्या नाम है इसका ट्री? ये तो जैकफ्रूट का ट्री है वो। अच्छा जैकफ्रूट का कटल का, कटल का ट्री है वो सब नेचुरली है यार। ये लंबा लंबा वाला किसका है? ये लंबा पतले पतले लंबे लंबे वो सिल्वर ओक है, ये सिल्वर ओक, सिल्वर ओक, सिल्वर ओक ये वाला। हाँ यही शीशम बोलते हैं क्या इसी को? तो सिल्वर ओक शीशम अलग होता है, ये सिल्वर ओक जो पेपर्स का पेपर्स बनाने के लिए इसका स्किन्स को ज्यादा यूज करता है, इसमें ज्यादा थ्रेड्स होता है। तो इससे पेपर बनता कैसे? इसका स्किन को रिमूव करके ऐसा कुछ 30 डेज तक पानी में रहने देना है। इधर बनता है क्या पेपर? कि इधर नहीं बनता, नहीं बनता, इधर कॉफी बनता है बस और चॉकलेट एंड पेपर चॉकलेट बनता। ओके ठीक, अब शायद वहाँ से अभी आराम से खिंचा लेंगे पटक। और ये मलबरी का शहतूत। अच्छा शहतूत बहुत ही लोग खाए होंगे। हाँ, बहुत तो खाए होंगे, इधर भी होता है शहतूत। और ये शहतूत तो ना कुछ भी ज्यादा यूज नहीं है, ऐसे मिलने पर निकाल कर खा लेना है, नहीं तो जाम प्रिपरेशन में सब यूज करता है शहतूत। जाम में भी काम आता है बेरी, बेरीज मलबेरी। और इसका जो लीव्स है ना बहुत ही एक्सपेंसिव रहता है लीव्स। हाँ, ये इसका लीव्स को ही फीड कराते हैं सिल्क वॉर्म्स को। अच्छा। और जो सिल्क वॉर्म्स खाने के बाद उसका कुकून प्रिपेयर करने लग जाता है। और जो मलबेरी का ना सेपरेट प्लांटेशन भी होता है, वहाँ पर ऐसा फर्टिलाइजर सब लगा के ग्रो करने से बड़े बड़े लीव्स होता है वो। इसका एक लीव खाने में 12 आवर्स लेता है वो, एक सिल्क वॉर्म दो खाने में 2 दिन। इसको खा सकते हैं ठीक है? और सब खाने के बाद वो उसका कुकून प्रिपेयर करने लग जाता है, जैसे वो कुकून को ऐसे ही छोड़ देने पर उसके अंदर से एक बटरफ्लाई जैसा बाहर आ जाता है। खा लीजिए। और सब बटरफ्लाई हमें आने नहीं देना है क्योंकि वो जो बटरफ्लाई आते वक्त वो कुकून को ब्रेक करके ही आएगा, उसके बाद कुकून यूजलेस है। इसके लिए वो कुकून को पहले ही से एक निकल गर्म पानी में डाल देना है, और गर्म पानी में जाते ही उसका जो लार्वा होता है ना रेडी टू फ्लाई रहता है, प्रिपेयर होता रहता है बटरफ्लाई के लिए, वो मर जाता है। और उसका कुकून जो है ना एक ऐसे पानी में जाने से कुछ आपको एक कॉटन ऐसे पानी में डालने से कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है इसका कुकून। और उसको निकाल कर सुखा के थ्रेड्स बना के सिल्क का साड़ी प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है। ऐसे ही थाउजेंड्स ऑफ सिल्क वर्म्स मरने के बाद ही प्रिपेयर होता है वन कंप्लीट साड़ी, क्योंकि वन कुकून से ना 6 से 7 सेंटीमीटर ही मिलता है सिल्क, सिल्क का थ्रेड। ऐसे ही थाउजेंड्स ऑफ मारने के बाद प्रिपेयर होता है बढ़िया सा सॉरी लंबा सा एक थ्रेड, उससे प्रिपेयर करते हैं सिल्क का साड़ी। इसके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव रहता है। बड़ा नहीं है, छोटा छोटा ही साइज रहता है,
केरी पता है ना, पिकल्स के लिए यूज करते हैं ना, केरी से थोड़ा बहुत बड़ा होता है ओके। और ये ना बहुत ही खट्टा स्वाद रहता है इसका, और इसमें से यहाँ पर करी प्रिपेयर करता है, मैंगो का करी, वाइल्ड मैंगो करी डिश का नेम भी है। और ये मैंगो करी में जो जो सॉरनेस होते हैं ना उसको मिटाने के लिए इसमें काला गुड़ ऐड करता है। जब काला गुड़ ऐड करते ही ये बहुत ही स्वीटर हो जाता है, और वो स्वीटपन को बैलेंस करने के लिए यहाँ का लोकल मसाला यूज करके स्पाइसीनेस वाला एक मसाला बना के बहुत ही ऐसा बहुत ही स्वीटर बहुत ही स्पाइसर एक करी बनाते हैं, सेमी ग्रेवी टाइप। एक वन ऑफ द ट्रेडिशनल डिश भी है कूर्ग एंड केरला का और बहुत ही बिकता है। ये मानसून का मैंगो है, जैसे नॉर्मली मैंगो का सीजन होता है समर डेज में, और ये सिर्फ मानसून जैसे बारिश का टाइम स्टार्ट होते ही ये स्टार्टअप हो जाता है ग्रोइंग इसका। तो वाइल्ड मैंगो ही बुलाते हैं इसे, एंड ये 200 ईयर्स ओल्ड है ये। ओके और ये तो अभी कम्प्लीटली से टर्माइट ने खा चुका है, दीमक खा चुका है इसे, और फिर भी ये जिंदा है। इसे तोड़ते कैसे हो मैंगो? वो तो गिरता है, सांस नहीं करते हैं, गिरता रहता है पूरा ऑर्गेनिक है भाई, वो लगता है गिरता है। वीगन बनने का साहू तो यहीं शिफ्ट करना पड़ेगा। हो जाऊंगा भाई, ये क्या लगाएंगे वो मंकीज को डराने के लिए। और ये कोकम का ट्री है, कौन सा? ये वही वाला, ये हाँ कोकम, कोकम जो है ना, कोकम में दो वैरायटी आता है, कोकम एक आता है रेड कलर फ्रूट वाला, दूसरा होता है येलो कलर। रेड कलर का तो शरबत बनता है और उसे सुखा कर दाल कटा करने के लिए भी यूज करता है, पर ये वाला जो है ना येलो कलर का कोकम है। और येलो कलर का कोकम को यहाँ पर इकट्ठा करके कॉम्पोस्टिंग करता है 70 डेज। 70 डेज कॉम्पोस्टिंग के बाद ये कुछ बैड स्मेल आ जाने लगता है, और इसे निकाल कर स्मैश करके इसका लिक्विड कलेक्ट करता है, और वो लिक्विड को 1 वीक तक डेली 5 to 6 hours बॉयल करता है। कंप्लीट बॉयल होने के बाद ये बन जाता है ब्लैकिश कलर का, डार्क ब्लैक बन जाता है, और इसे बॉटल्स में फिलिंग्स रख के ऐसे ही कुछ टाइम के लिए 1 or 2 weeks के लिए तो स्टोर रूम में ऐसे ही रख देता है। और ये थोड़ा थिक बन जाता है, पर फ्लो रहता है, हनी का फ्लो रहता है ना, ऐसा फ्लो रहता है, कंप्लीट स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता है। और इसे टैमरिन का रिप्लेस यहाँ पर तो सभी कुकिंग में ऐड करते हैं इसे, कोकम को टैमरिन का रिप्लेस, यहाँ पर इसे काचम पुली बुलाते हैं ब्लैक कलर का लिक्विड को। और ये जैसे टैमरिन होते हैं ना, टैमरिन को आप पानी में डालना है, पानी में स्मैश करना है, वो पानी को यूज करना है, पर ये कोकम को डायरेक्टली अप्लाई करने से इमली इमली खट्टापन लाने के लिए जैसे ये कोकम से ना करी का जो कलर भी थोड़ा चेंज होता है, ब्लैकिश कलर में आ जाता है। और ये बहुत ही सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है, डायबिटीज के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए सब बहुत ही अच्छा रहता है ये। फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट एक छोटा छोटा सा एप्पल के साइज में फ्रूट होता है, एप्पल के साइज में, वो कब लगता है? ये तो अभी सीजन है इसका, अभी ये देखिए सब इसका फ्लावर है। अच्छा, इसका फ्लावरिंग अभी स्टार्टेड है। कोकम का फ्रूट मिलेगा? फ्रूट नहीं, फ्रूट को यही सीजन है। कोकम का फ्रूट कहाँ मिलेगा? कुर्ग में मिलेगा वो, शरबत के लिए तो कहाँ मिलता है? यहाँ तो कम ही है, बहुत कम है, आपको मैंगलोर साइड में ये कोकम ज्यादा मिल जाता है, कोंकण एरिया कोस्टल साइड में। तो इसका फ्रूट खाने लायक है? ये येलो कलर का नहीं, रेड कलर का तो खाने लायक होता है। मीठा रहता क्या? नहीं, थोड़ा खट्टा रहता है, नींबू जैसा, नींबू जैसा गजब का लगता है। और उसे शरबत भी बहुत ही अच्छा बनता है, पुनर्पुली जूस कहते हैं यहाँ पर उसे, पुनर्पुली जूस। और इसे काचम पुली, कोकम काचम पुली, पुली मतलब सौर होता है खट्टा, पुनर्पुली जूस, पुनर्पुली बोलो दिए। नहीं नहीं, दालचीनी का तो दूसरा पत्ता है, दालचीनी का पत्ता यूज नहीं है, ये वो सब्जियों में डलता है, वेज वो ही है ना, तेज पत्ता, तेज पत्ता ना। और ऐसा तेज पत्ता का ट्री ऐसे बहुत बड़े हो जाता है, और दालचीनी का ऐसा नहीं होता है। तो ये एक एक ट्री है क्या आपके इधर की? और भी है बहुत है, पर इसे ऐसे लगाया गया है दिखाने के लिए, 5 साइड डिस्प्ले के लिए लगाया गया। तो ये अंदर
अंदर होंगे और इधर जंगल में। हाँ जैसे ये 100 एकर्स प्रॉपर्टी है यार, सब पूरा यहाँ से, ये जो ये दिख रहा है ना कार, कार से हमारे यहाँ से प्रॉपर्टी स्टार्ट है। सिर्फ हमें आपको 3.5 एकड़ में घुमा रहता है। ज्यादा कितने एकड़ प्रॉपर्टी है? 100 घुमा सारे तीन आपका ही भैया खा सकते है दिखा मेरे को भी। एक बीन चाहिए थोड़ा मीठा लगा, मीठा लगा मीठा। और यहाँ पर तो किसी फ्रूट को नहीं छोड़ता, सभी से वाइन बना देता है। अच्छा इधर कुछ मिलता है क्या स्पेशल वाइन? उधर का चिल्ली वाइन मिलता है, स्पेशल वाइन ये। ये यहाँ पर हमारा कॉफी का संगम है, तीनों कॉफी का संगम है। जैसे तीनों नदियाँ मिलते हैं ना ऐसे यहाँ पर, इसके लिए कॉफ़ी का यही बताना पड़ता है। जैसे कॉफ़ी में ना यहाँ पर 3 varieties ऑफ कॉफ़ी ग्रो होता है, उसमें एक आता है अरेबिका, दूसरा है रोबस्टा, तीसरा है कावेरी। ओके क्या? कावेरी, कावेरी कॉफ़ी लोकल कॉफ़ी है। ओके अरेबिका का कॉफ़ी का प्लांट आपको ऐसे दिखता है, पतला सा स्टम होता है इसका एंड ऐसे बहुत ही हाइट ग्रो हो जाता है। और इसका न्यूक्ली स्प्रेडेड ब्रांचेस भी रहता है, देखने से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये अरेबिका कॉफी है। एंड ये बहुत ही टेस्टी एंड माइल्ड कॉफी होता है, और सभी इंस्टेंट कॉफीज में आपको अरेबिका ही होता है। अरेबिका जो है ना, अरेबिका से हम फिल्टर नहीं बना सकते, ये मेड फॉर इंस्टेंट है, तो ये इंस्टेंट कॉफी है। और ये माइल्ड होने के वजह से इसमें जो कॉफी में ना कैफीन का कंटेंट रहता है, नेचुरल कैफीन, इसमें 1.5 लेवल ऑफ कैफीन रहता है, और ये कुछ मैटर ही नहीं करता इससे ही टेस्ट के लिए इसका कैफे। ओके एंड ये माइल्ड कॉफी एंड ये ओरिजिन फ्रॉम अफ्रीका है, सॉरी अरेबिका है, अरब कंट्रीज, वहीं से आया हुआ कॉफी है। इंडिया का पहला कॉफी यही है, अरेबिका कॉफी। ओके और दूसरा होता है रोबस्टा, रोबस्टा का प्लांट यहीं पर मैक्सिमम है, ये सब रोबस्टा ही है, ये छोटे पत्ते वाले, ये वाला, वो वाला, ये वाला, बड़ा बड़ा ऊपर से कॉफी ढाबा कर रहा है, बड़ा बड़ा ट्रंक होता है इसका, और ये कुछ ऐसा 7 feet टॉलर आ जाता है बस। और इसका ब्रांचेस हमेशा स्प्रेडेड ही रहता है अम्ब्रेला के जैसा, ऊपर से देखने से बुश के तरह दिखता है। एंड ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉफी है, ये अफ्रीका का कॉफी है, रोबस्टा वाली, रोबस्टा ये, हाँ क्या नाम है इसका? रोबस्टा, रोबस्टा। इसका कुछ फ्लावर फ्रूट नहीं है क्या? फ्रूट किसी का नहीं है अभी, और ये रोबस्टा कॉफी ना बहुत स्ट्रॉन्ग। इनमें लगते कब है? इसमें जो अभी मैं बताया ना वो पहला बारिश वो आ गए तो वो फ्लावर खिलने स्टार्ट हो जाता है, और वो फ्लावर नेक्स्ट जनवरी तक ये गिर जाएंगे क्या? ये फ्लावर वो सब ये यूजलेस है, ये यूजलेस फ्लावर्स है। जैसे इसमें तोड़ा तो पानी छिड़कने से फ्लावर सब ब्लूम हो जाता है, पर आप नेचुरल करते हो पूरा आप, है ना? कुछ नहीं करते यहाँ पर। जैसे ये नेक्स्ट जनवरी तक, जैसे अभी बारिश हो गया तो आज का तो नाइट थोड़ा बारिश होने का संभावना है, अच्छा हो गया तो जो ये कॉफी में फ्लावर्स खिलते हैं और वो कॉफी नेक्स्ट जनवरी तक कम्प्लीटली एक कॉफी का बेरी जैसा बन जाता है, और वो क्रॉप है जनवरी पर रिमूव करना है। ओके एंड ये रोबस्टा कॉफी बहुत ही स्ट्रांग होने के वजह से इसमें 2.7 लेवल ऑफ कैफीन रहता है, स्ट्रांग कैफीन रहता है, और ये कैफीन आपका नींद को उड़ा देता है, पर एडिक्शन नहीं लाता। जो कॉफी का जो एडिक्शन आता है ना एडेड इंग्रेडिएंट से होता है, वो है चिकोरी। अच्छा ओके चिकोरी जो है ना अडल्ट्रेशन के लिए डालते हैं कॉफी में, जैसे कॉफी का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, टेस्टनेस, स्ट्रांगनेस सब बढ़ाने के लिए ऐड करता है, जैसे ही एडिक्शन भी लाने के लिए। चिकोरी एक छोटा प्लांट का रूट है, वो चिकोरी का स्वीट होता है ना, हल्का स्वीट होता है हल्का ऐसा नहीं है, पर ये जो कॉफी वो जो चिकोरी का रूट को है ना सुखा के रोस्टिंग करके पाउडर बनने के बाद कॉफी में एंड चिकोरी में डिफरेंस ही नहीं रहता, टेस्ट भी ऐसा ही रहता है थोड़ा बहुत, इसके लिए अडल्ट्रेशन के लिए ऐड करता है, और ये जैसे ये ऐड होते ही कॉफी में एडिक्शन बन जाता है चिकोरी। आप लोग जो कॉफी बनाते हैं उसमें चिकोरी नहीं होता? नहीं अभी तो नॉर्मली ना बहुत ही चिकोरी होता था,
नेस्कैफे क्लासिक पता उसमें तो नहीं होता चिकोरी, वो भी एडिक्टिव होता है। एडिक्ट नहीं होता है, मैं तो कैफीन लिखता हूं। जैसे ये कॉफी है ना इंस्टेंट में आपको 70-30 का ब्लेंड करता है, 70 कॉफी 30 चिकोरी का, और फिल्टर में 80-20 करता है, 80 रोबस्टा 20 चिकोरी ऐड करता है। पर हम तो यहाँ पर 0 चिकोरी का कॉफी सेल करता है, पर अभी तो बहुत लोग ऐसा कर रहा है क्योंकि सभी को पता लग गया है चिकोरी का जो वैल्यू, तो बहुत ही चीप प्रोडक्ट है, सस्ता माल है, सस्ता माल है वो। ऐड करना भी ईजी है, जस्ट पाउडर को मिक्स कर दो, डाल दो, किसी को पता नहीं चलेगा। और यहाँ पर ना हम किसी ब्रांड के ऊपर नहीं, सिर्फ इसका प्लांट के ऊपर ही सेल करते हैं, प्योर अरेबिका का इंस्टेंट, प्योर रोबस्टा का फिल्टर, ऐसा ही सेल करता है। और ये प्योर कॉफी होता है, जीरो चिकोरी का। तो कावेरी का क्या बनता है? कावेरी का तो फिल्टर भी बनता है, इंस्टेंट भी बनता है। एंड ये कावेरी, कावेरी ये है लोकल कॉफी, कावेरी कॉफी है ना, दोनों का क्रॉस ब्रीड है, हाइब्रिड कॉफी, हाइब्रिड कॉफी है ये। हाइब्रिड होने के वजह से ये बहुत ही जल्दी ग्रो भी हो जाता है और क्रॉप भी देने लग जाता है। और ये इसका लाइफ तो बहुत ही कम रहता है, कितना? 10 इयर्स ही रह पाता है ये। 10 इयर्स? हाँ। और ये वाले कितने रहते हैं? तो 50+ इयर्स तक रहता है। ये छोटे से पेड़? हाँ। अरेबिका तो नियरली 50 आ जाता है, रोबस्टा तो 70 भी चला जाता है। ये वाला? हाँ। तो ये इतने ही बड़े पेड़ रहते क्या 70 इयर तक? ग्रो नहीं करता, ग्रो नहीं करता, इतना ही होता बस। इनमें ये लीफ आते जाते होंगे, जैसे ये ब्रांचेस में ना मानसून के टाइम में, जैसे ह्यूमंस है ना ऐसा ही है ये भी कुछ। इसमें मेल ब्रांचेस में क्रॉप नहीं आता है, सिर्फ फीमेल ब्रांचेस में क्रॉप आता है। तो इसमें ये मतलब ये टहनियां नहीं आती उनमें, सिर्फ पत्ते आते हैं, गिरते आते हैं बस। हाँ, उतना ही है। अच्छा। सिर्फ ऐसे मेल को कट करके छोड़ना है, फीमेल को रहना है। ये कॉफी का जो है ना, इसको पॉलिनेशन का भी जरूरत नहीं है क्योंकि उनमें है मेल फीमेल, पॉलिनेशन का जरूरत नहीं पड़ता है। फ्लावर आता आता है, क्रॉप बनता है, निकालना है, सुखाना है। और ये 3 वेराइटीज ऑफ कॉफी है यहाँ का, रोबस्टा, अरेबिका, कावेरी। एंड ये कावेरी कॉफी इंस्टेंट भी बना सकते हैं, फिल्टर भी बना सकते हैं। इधर उधर कॉफी कारखाना, पहले हम स्टार्ट किए थे ना, वहीं पर जाके वहाँ पर कॉफी पीके ये बस जो आपको यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे ये मेरा, अच्छा ये इधर लगती है, नीचे लगती है इलायची, इसमें ना लगता है ये क्या है? इलायची है, इलायची गिर जाता है ना बहुत जल्दी, इलायची गिर जाता है ना हल्के से उसमें। हाँ, मतलब इसका प्लांट का ज्यादा लाइफ नहीं रहता है ब्लूम होने के। ये टर्मरिक है क्या? नहीं नहीं, उसके अंदर है ये जो छोटे छोटे बीज दिख रहा है ना, यही इसका बीज है। और ये बीज टर्माइट ईटन ट्री को ऑक्यूपाई करके छोटे छोटे टनल के जैसे बन जाते हैं कंप्लीट ट्री। और सर टनल में हनी का कंटेंट को कलेक्ट करता है, जो बहुत ऐसे 2 इयर्स के बाद ट्री को कम्प्लीटली कट करना पड़ता है। ऐसे मिल गया तो 2 इयर्स के बाद हमें मिलता है ब्लैक कलर का हनी, वो भी 1/2 लीटर रहता है। और ये बहुत ही एक्सपेंसिव भी होता है एंड ये मेडिसिनल पर्पज के लिए ज़्यादा ही यूज़ करते हैं इसे। तो वो बड़ी वाली बीज से जो मिलता है वो हनी अलग रहता है? वो ये हनी होता है, फार्मिंग हनी। ये बीज काटते हैं, ये बीज काटते नहीं। और इसके अंदर क्वीन बी को लाकर छोड़ दिया जाता है, और जो क्वीन बी के पीछे पीछे सभी बीस आ जाता है, और वो बीस इसको अंदर आकर इसका घर जैसा समझ लेता है क्योंकि क्वीन बी वहीं पर है। इसके लिए वो वहां पर ही हनी का कंटेंट को कलेक्ट करके कंप्लीट फिल होने के बाद क्वीन बी को निकाल कर दूसरे बॉक्स में डाल दिया जाता है, सभी उसका पीछे पीछे। हनी फार्मिंग होता है ना ये? तो बहुत ही फार्मिंग होता है ये। और ये भी यहाँ पर भी इसका फार्मिंग होता है, और ये आपका डिस्प्ले है। ठीक है, और ये हनी आपका डेली यूजर हनी है। हाँ, ये डेली लाइट ब्राउन कलर का होता है एंड ये ब्लैक कलर का हनी होता है। ये मेडिसिन पर्पस में यूज होता है सिर्फ? वो डेली यूज के लिए। ये दोनों हनी यहाँ पर मिलता है, और तीसरा भी होता है बीहाइव, वो तो बहुत कम होता है, टाइगर बीस प्रिपेयर करता है। टाइगर बीस जो है ना 7-8 बीस वन टाइम स्टिंग करने से आदमी मर जाता है, इतने स्ट्रांग डंक होता है उसका। इसके लिए वो निकालना बहुत ही वो हल्के वो पीले और काले कलर वाली रहती है ना, वो इतनी बड़ी 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 जंगल में आपको मिलने पर वो बहुत ही प्योर होता है।
उसका हनी हमारे हॉस्टल में भी रहता है। हॉस्टल में मतलब वो बड़ा बड़ा बना लेते टाउन प्लेस पर बन गए तो वो पोल्यूशन की वजह से कुछ खराब होता आउटसाइड एकदम तो निकाल कर खा लीजिए बहुत ही प्योर हमारे गांव में रहता है बड़े जो बड़े पेड़ रहते हैं ना उन पे लगता है खिल के नीचे के साइड में ऐसे सब ज्यादा बड़ा है ये पानी की टंकी के नीचे इसमें रहता है वो और भी प्योर रहता है पोल्यूशन जीरो पोल्यूशन एरिया से हम बनने बहुत डेंजरस रहता है बहुत वो बाकी भी इससे बड़ी होती है साइज में और सुंदर साल में एक बार देखने को मिलता है तो कॉफी आपको पहला स्टेज में दिसंबर एंड जनवरी में दिसंबर में आपको कॉफी का ग्रीन बीन एंड जनवरी में ना कॉफी का रेड कलर का चेरी जैसा फ्रूट देखने को मिलता है और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कॉफी का फ्रूट को पेड़ से तोड़ के सुखाते हैं 15 to 20 डेज तक आपका सनड्राई होने के बाद में ना कॉफी आपको इस टाइप का देखने को मिलता है या आता है आपको रॉ फॉर्म ऑफ कॉफी का उसके बाद में उसका आउटर शेल जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना वो होता है कॉफी का आउटर शेल उसको रिमूव कर दें रिमूव करके उसने जो बताया आपको गोल्ड टेस्ट ऑफ कॉफी ये बोल के तो यार ये तो गोल्ड टेस्ट ऑफ कॉफी का उसको सुखाया हुआ है ये ना हाँ वो सनड्राई सनड्राई के बाद में ये ना इसका इनसाइड बीन कॉफी का बीन तो सबसे पहले आते हैं सर आपका में ना उसको बड़ा बीन जो पतला वाला जो पेड़ दिखा आपको सब उसको हम लोग अरेबिक का तो आपका इंस्टेंट कॉफी लाइक आपका ब्रू नेस्कैफे कॉफी में ना हम लोग ज़्यादातर ये पेड़ को यूज करते हैं ये आपको 45 minutes सो ये एक चिली आता है ना आपका 30 ग्रीन चिली का बराबर है इंडिया का सेकंड स्पाइसीस्ट चिली है ये आपका कफ कोल्ड गैस्ट्रिक एसिडिटी के लिए पूरा है टेस्ट में सब मैं भी कर लेता हूं पानी है क्या टेस्ट कर लेके नहीं कुछ नहीं होता है पी के देखिए सर इसका एक्चुअल फ्लेवर है ना आपको मुंह में नहीं थ्रॉट में पता चलता है सो नॉन अल्कोहलिक विद योर हेल्थ बेनिफिट अच्छा ये नॉन अल्कोहलिक है नॉन अल्कोहलिक विद योर हेल्थ बेनिफिट को भी आप कितना साल रखे खराब नहीं होता ये वाला तो मार्केट में मिलता है ना अल्कोहल वाला वो आप एक बार उसका बॉटल खोल ले तो चिल्ली और जिंजर चिल्ली विद जिंजर तो ये टेस्टीएस्ट कौन सा होता है आपके सो हमारा यहां का पे बहुत फेमस है आपको एक तो जिंजर पैशन फ्रूट एंड बर्ड चिल्ली एंड बर्ड चिल्ली उसका नशा वशा तो नहीं होता है ना नशा वशा कुछ नहीं होता सर छोटा बच्चे से लेके बूढ़ा तक कोई भी कंज्यूम कर सकता है ये पी के देखिए ये क्या ये ब्लैक ग्रेप का रेड वाइन ये आप स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं रोज वाटर जैसे कॉटन में डिप करके आप आपका जो पिंपल रहता है वहाँ पे और ब्लैक हेड्स आपका पूरा स्पॉट्स रहते हैं ना वहाँ पे आप सोने के टाइम पे लगाइए या पानी लाने बिताने से 10-15 minutes पहले अप्लाई करके जाइए तो आपको ऑयली स्किन पूरा रिमूव होता है आपको सेम लाइक गार्नियर हिमालय फेस वॉश आता है ना वो यूज करने से अच्छा ये आपको लाइफ टाइम यूज कर केमिकल कुछ नहीं ऐड करते हैं यहाँ पे पहले क्या करते हैं हम लोग उसको सड़ाते हैं सड़ाते पानी में डालते हैं बॉइल करते हैं पानी में बॉइल करने के बाद में ना उसको पानी को प्रोसेस करके और उसको वापस उसमें सिनेमन शुगर पूरा ऐड करके क्या करते हैं उसमें उसको मटके में बड़ा सा मटके में डाल के मिट्टी में डाल के गाड़ देते हैं फॉर्मेंटेशन के लिए है ना रेड बर्ड है चलिए और ये पाइनएप्पल वही सेम रेड बर्ड है चिली अच्छा ये भी वही है ये पाइनएप्पल गले आलू का मामला वही है गले आलू का ये चीकू का है चीकू का भी बनता है क्या चीकू का भी बनता है अंजीर का और ये मैंगो अंजीर है डायबिटीज के लिए आपका इम्यूनिटी पावर के लिए इनका किसी का भी नशा वशा नहीं होता नशा वशा कुछ भी नहीं कौन सा है पाइनएप्पल पाइनएप्पल तो पिया गया था नहीं पिया नहीं इतना का ये क्या प्राइस में ये आपको 600 से स्टार्टिंग होते हैं सर जितना पुराना होता है उसका दाम और भी जाता है ये पूरा ऊपर में जो है ना वो आपको 7-8 years वाला यहाँ ऊपर ये किधर बनता है ये कितना होगा इसमें
ये 2 या 3 साल हो गया होगा सर बस उसमें। तो ऊपर में पूरा है ना, ऊपर में आपको जो है वो पूरा 7-8 ईयर्स वाला है, वो बहुत स्ट्रांग रहता है आपको। ऊपर फैक्ट्री का आउटलेट है सर, वहाँ पे आप कॉफी स्पाइसेस पूरा बाय कर सकते हैं। ये कंपनी का आउटलेट है, यहाँ से आप खरीदारी कर सकते हो ये सब चीजों की, मसाले हो गया। ये यहाँ से आप चॉकलेट वगैरह लेना चाहे तो ये सब यहीं पे बनी हुई है, सब इसी प्लांट में आप ले सकते हैं, इधर भी मिलती है। तो भाई आपने ये जैसा देखा, हमने अभी ये पूरा प्लांट कहाँ पर उगते हैं, उगने के बाद कहाँ पर बनते हैं, और ये यहाँ पर ये पूरा इसका शॉप बना हुआ है जहाँ पर ये सब बिकते हैं। तो ये पूरा प्लांटेशन है, कॉफ़ी का कारखाना है पूरा, जहाँ कॉफ़ी उगाने से लेकर कॉफ़ी बनाने तक, कॉफ़ी बेचने तक पूरा बताया जाता है। और ये यहाँ पर इनका पूरा ये आउटलेट है जहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हो, और 100% प्योर है ये, कोई केमिकल इसमें मिक्स नहीं है, तो आप यहाँ से खरीद सकते हो ओरिजिनल पूरा, ठीक है।